हे एवरीवन, वेलकम टू वाइस स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, एक नई वीक शुरू होने वाली है, एक नया मंथ शुरू होने वाला है। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वीकली एनालिसिस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी 50 फर्स्ट। सो ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। सो वीकली चार्ट को सबसे पहले समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना हम लोगों को क्या चेक करना है, कोई भी चार्ट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप द साइज़ ऑफ कैंडल्स को समझ लो ना, तो आपको ना कुछ हद तक चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर अब आप यहाँ देखेंगे, ये कमांडिंग कैंडल है, ब्रैकेट फॉर्मेशन कमांडिंग कैंडल, ब्रैकेट फॉर्मेशन कमांडिंग कैंडल, ठीक है। अब जब तक इन कैंडल्स के ऊपर एक प्रॉपर क्लोज नहीं होगा ना वीकली पे, जब तक हम लोग डाउन पे मूव करते रहेंगे, ओके। एंड जो अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे इस साइड पे, ये सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एंड अब यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। इसके ऊपर जाने की कोशिश की, अगर यहाँ पर थोड़ा टिक जाता तो फिर ये सपोर्ट बन जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, क्लियर। तो एक चीज़ क्लियर है कि ये जो एरिया है हमारा, एज़ पर वीकली बेसिस पे 18,000 to 17,800 सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये पॉइंट तो अपना क्लियर रखिएगा आप, ओके। अब आते हैं नीचे का पार्ट। अब जो सेकंड सपोर्ट आता है, सॉरी, जो फर्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है, एक सेकंड, वो आता है इस रीजन में, जो कि क्या है, एक राउंड नंबर 17,000 से लेके 17,100। इस रीजन में सबसे पहला सपोर्ट आता है। एक तो ये राउंड नंबर भी है, बिग राउंड नंबर, तो यहाँ पर आप एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। सो ये हो गया वीकली वाला बेसिस। अब एक काम करते हैं, एक बार डेली पे आ जाते हैं और इसको ढंग से समझते हैं। अब लेट्स डू वन थिंग, इंडिकेटर ऐड करते हैं, स्पेशली ये वाला। ये क्या है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो सबसे बेस्ट पार्ट है, मैंने यहाँ पर इंडिकेटर क्यों लगाया है, आपको एक चीज़ समझाने के लिए कि जो ट्रेंड है वो अप है एज़ पर द इंडिकेटर, ठीक है। एंड ये जो लाइन है ये ऊपर मूव कर रही है। सो ये जोन सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट का काम कर सकता है, ऑलराइट। और अगर ये गया तो फिर यहाँ पर सपोर्ट आएगा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपका 17,000 से लेके, मैं एक आपको दोबारा बता देता हूँ लेवल, यहाँ पर ये लेवल आएगा आपका, जो मैंने आपको बताया था 17,100 से लेके 17,000 पे आपका सपोर्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके नीचे ये लेवल आने वाला है। अब ट्रेंड कब चेंज होगा, जब मार्केट नीचे जाएगी, थोड़ा सा क्या बनाएगी, लोअर हाइज बनाएगी, धीरे धीरे टिकेगी, फिर नीचे जाएगी, और ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है ये ऐसे 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 घूमती जाएगी। देखिए, ट्रेंड तब चेंज होता है अगर आप मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जब वो घूमने लग जाते हैं और प्राइस उसके नीचे स्टे करने लग जाती है, इसका मतलब अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, ओके। और मूविंग एवरेजेस किसकी तरह है, एक रिवर की तरह है। जितनी बार प्राइस यहाँ पर आएगी, अगर इट्स मूविंग अप, तो देन ये बस एक टिप्पा है, मार्केट वापस ऊपर जानी है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें कब क्लियर होगी, जब मार्केट वापस 17,600 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगी, तो तब हम यहाँ पर एक सम सॉर्ट ऑफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप का सीन बन गया है, और दोबारा से मार्केट 18,000 चेक कर सकती है, ठीक है, ये इसका मतलब है। सो अब आपके सामने सारे एनालिसिस क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम आते हैं 15 मिनट पर, 15 मिनट को समझते हैं। सो 15 मिनट के चार्ट पे जो अब सबसे नियर बाय एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो क्या होने वाले हैं। सो अब हम क्या करते हैं, इन एरियाज़ को मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब ये सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या आया, सॉरी सपोर्ट हमारा क्या आया है, ये आया है 17,445, ठीक है, ये आया है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना चालू करती है, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ एक डाउन मूव मार्केट में नीचे आ सकता है, ओके। सो आपने किस चीज़ का ध्यान देना है, आपने प्रीवियस डे लो, ठीक है, और मार्केट और जो प्राइस है वो किसके नीचे हो, 445 के नीचे। तो इन दोनों के नीचे अगर प्राइस ओपन होती है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कैंडल ओपन होती है, ठीक है, तो आप शॉर्ट जा सकते हैं। टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट 3 मिनट जो आप यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्लियर। अब रीज़न बहुत सिंपल है, ये देखिए, अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर, ये क्या है, क्लोजिंग प्राइस इस दिन का, 22nd का। अब यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, क्लियर है।
क्लोजिंग प्राइस इससे नीचे ही है और आज भी क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, यहाँ पर है। तो एक चीज़ क्लियर है कि ट्रेंड डाउन ही है, बस हमें यहाँ पर मौके चाहिए एक अच्छे एंट्री के लिए। तो एक एंट्री आएगी इसके नीचे जो कि है 17445 एंड प्रीवियस डे लो। अब प्रीवियस डे लो आपका क्या है, प्रीवियस डे लो है आपका 17423। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन मूव आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं जो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी वाले मूव्स हैं वो कहाँ पर आने वाले हैं, वो आएंगे इस रेंज में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक सम सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट भी बन रहा है। अब मैंने आपको एक शॉर्ट मूव बता दिया नीचे की तरफ, अब एक और शॉर्ट मूव कहाँ आएगा 17600 पे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है या फिर यहाँ पर खुल के ऊपर जाती है तो इस रीजन पे अगर कोई रिजेक्शन होता है ऐसा, या आप देख रहे हैं इस टाइप का रिजेक्शन, ये क्या है, इवनिंग स्टार कैंडल या फिर एक बेरिश एनगल्फिंग या फिर कोई इन्वर्टेड हैमर या कुछ भी ऐसी चीज़ अगर बनती है टॉप पे, तो वहाँ पर आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट आपका क्या रहेगा ये, ठीक है। अब ये दोनों बात हो गई किस चीज़ की, शॉर्ट पोजीशन मतलब अगर आप पुट बाय करके लेके जाएंगे तो आप किस तरफ ट्रेड कर सकते हैं। दो एरियाज हो गए आपके, यहाँ से नीचे और यहाँ से नीचे, ठीक है। ये एरिया ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज यहाँ पर आपको सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक पे एक एरिया मिल रहा है, फेलियर हो रहा है तो चांसेस है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ आ सकता है, ये कंटिन्यूएशन दे सकता है। बट मार्केट बहुत दिन से गिर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाके आपको ट्रैप कर दे तो आपको दोनों जगह सतर्क रहना है, ओके ऑलराइट। अब इसके बाद और क्या मूव्स आएंगे, अगेन मार्किंग द सेम थिंग, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है जो कि है 17600 या फिर 17600 के ऊपर ट्रेड करती है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बाइंग करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त यह है कि कैंडल थोड़ी सी ठीक हो और थोड़ा सा वक्त बिताए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखिए 1 2 3 यहाँ पर थोड़ा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया तो सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस तो आसानी से तो जाएगा नहीं अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो थोड़ा वक्त बिताए यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ, अगर आप ऐसे लेंगे कि अगर यहाँ पर जाती है थोड़ा ऐसे ऐसे घूमे, फ्लैग टाइप पैटर्न बनाए या चैनल बनाए कुछ भी बनाए तो यहाँ पर इसका फ़ायदा होने वाला है। तो 17600 का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्लान क्या है यहाँ पर बाइंग के लिए, अगर ये आप पैटर्न देखें यहाँ पर क्या चैनल बन रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे एक चीज़ ये है प्रीवियस डे लो, मार्केट इसके नीचे गई बट रिजेक्ट हो रही है, एक ये व्यू पॉइंट है हमारा। तो अगर इसके नीचे मार्केट रिजेक्ट हो रही है और ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस एरिया को एज अ चैनल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड इस चैनल के टॉप, चैनल का टॉप कहाँ पर आता है, वो आता है 17480। तो उसके ऊपर अगर एक क्लोज मिलता है तो मैं वापस इस लेवल को चेक कर सकती है प्राइस 17600। तो आपके पास 100 पॉइंट मूव है तो दिस कैन बी अ गुड एरिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका प्लान, निफ्टी का, ठीक है। इस तरीके से आप निफ्टी को मार्क करिए और इसको ट्रेड करिए, ऑलराइट। बहुत सिंपल है, टू द पॉइंट है, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। अगर मार्केट बीच में खुलती है या यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर खुलती है, यहाँ खुलती है, तो कुछ मत करो, 2 मिनट वेट कर लो, थोड़ा देख लो आपके पास एरियाज हैं, आपको क्यों बीच में अपना टाइम वेस्ट करना है, मत करो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है इसके यहाँ पर और यहाँ पर, मैंने यहाँ के लिए 2 प्लान्स बता दिए, यहाँ के लिए 2 प्लान्स बता दिए, रिजेक्शन का भी, ऊपर का भी, यहाँ से रिजेक्शन का भी, यहाँ से ऊपर का भी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस हैं वो आपके इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो ये सम सॉर्ट ऑफ लेवल्स हो सकते हैं आपके, जहाँ पर आप टारगेट्स ले सकते हैं ऊपर की साइड पे, और नीचे की साइड पे तो फिर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सपोर्ट्स। तो बस आप पहले इन लेवल्स का ध्यान दीजिए अपने ट्रेड्स लेने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है बैंक निफ्टी। सो अगेन सेम ड्रिल, वीकली से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट पे अब देखिए वीकली चार्ट पे क्या गेम चल रही है यहाँ पर। मैं हमेशा आप लोगों की चीज़ बोलता हूँ कि कैंडल के साइज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पर बड़ी कैंडल्स बन रही हैं उधर मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, जो आपके पुल बैक्स होते हैं उसको बाय किया जाएगा जब तक एक बड़ी कैंडल जो कि नियरेस्ट कैंडल से ज़्यादा बड़ी है ट्रेंड चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रेंड चेंज आ गया है, यहाँ पर आप देखिए एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल आई है एंड मार्केट इसके 50% के नीचे ही टिक रही है। तो एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट इसका 50% क्लियर नहीं कर रही है कि जो कि है 41,000 का, एंड मार्केट ने क्या किया है इसके लो को भी ब्रेक कर दिया जो कि यहाँ नहीं किया था, ठीक है। तो मार्केट ने बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर इन सारी कैंडल्स को आप ऐड करोगे 1 2 3 4
तो ये सम सॉर्ट ऑफ आपका इवनिंग स्टार कैंडल बनती है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, एक कैंडल बना दो, तो ये क्या बनता है, इस टाइप की कैंडल बनती है, ऑल राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सिंपल चीज़ है यहाँ पर, अगर आप रेजिस्टेंस को देखेंगे, दिस एरिया वॉज अ रेजिस्टेंस जो कि है 41,000 ऑन वीकली, क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो कहाँ आता है वो समझ लेते हैं एक बार हम। ये देखिए आप, अगर आप ध्यान देंगे इधर, ये जो रीजन था दिस वॉज अ सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आता है वो आता है इसके पास। अब ये एरिया कहाँ पर आता है, ये एरिया आता है आपका, आता है अराउंड, मैं आपको बता देता हूँ, 39,000 टू 38,850 के करीब। ये 150 पाउंड का रेंज है जहाँ पर एक सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट बन रहा है। तो अगला स्टॉप यहाँ हो सकता है अगर मार्केट क्या कहते हैं फॉल करती है, तो इधर एक सम सॉर्ट ऑफ ऐसा स्टॉप ओवर हो सकता है, फिर मार्केट ऊपर जाए फिर दोबारा नीचे गिरे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, हाई लोअर हाईज बन रहे हैं, तो हम एक डाउन ट्रेंड पे ही हैं, ठीक है। पर थोड़ा हायर लेवल्स मिल जाए तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अब एक बार हम डेली चार्ट पे आते हैं टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। डेली चार्ट हो गया, एक बार हटा देते हैं सब और अगेन अपनी ड्रिल लगाते हैं। क्या मूविंग एवरेज 200 डे मेनली मैं देख रहा हूँ जो कि ये है। अगेन सेम स्टफ इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पर क्या किया इधर मार्केट ने, इधर आपका एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है, ऑल राइट। यहाँ पर भी बहुत सारे वो आए हैं, विक आए हैं, यहाँ पर भी विक आए हैं। अब यहाँ पर ट्रेंड कब चेंज होगा, जब इस विक के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देगी, जो कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, मतलब कंटिन्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि है आपका 39,600 लेवल्स। इसके नीचे मार्केट और ढंग से तरीके से गिरेगी एंड कोई बड़ी बात नहीं, ये ट्रेंड चेंज होना चालू हो जाए, ठीक है। अब चीज़ें चेंज कब होंगी, चेंज होंगी अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करे जो कि है आपका 41,065, ठीक है। इसके ऊपर अगर थोड़ा टिके करे तो यहाँ से एक सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ऑल राइट। इतना डाउन ट्रेंड था, एक पुल बैक यहाँ तक आ सकता है। अगर मैं इसका 50% चेक करूँ, इसका 50% कहाँ पर आता है, ये जो फॉल आया है इसका 50% हम देख लेते हैं, तो ये 50% आता है 4800 तक। तो अगर यहाँ पर ये 40, मैं आपको लेवल दोबारा बता देता हूँ, 41,065, ठीक है, 41,065 ले लो आप यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सेफर साइड मैंने थोड़ा ऊपर का एरिया दे दिया, 41,065 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करती है तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ टारगेट हो सकता है। ये है डेली की बात। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट पे, ठीक है, सारी चीज़ों को ढंग से समझने के लिए कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो, अब चीज़ों को ट्रेड करने का जो तरीका है ना, वो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले मैं ये देखूँगा, ये देखिए इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जा रही है, तो क्लियर हो गया है, ऑल राइट। उसके बाद जो एक आसपास का लेवल आता है वो आता है यहाँ पर, ठीक है। ये दो, एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ उसको, ये ठीक है। अगर आप देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर वक्त स्पेंड कर रही है, ठीक है। ये लो नहीं तोड़ा है बट इसके ऊपर भी मूव नहीं किया है, ट्रेंड नीचे है। तो सारी चीज़ इतनी दर्शाती है कि जो हाई है ना उस पर सेलिंग हो रही है, इतना तो क्लियर हो गया। तो अब आपने फट्टे नहीं मारने कि यहाँ पर आप बाइंग सोचोगे, यहाँ बाइंग सोचोगे, जब तक यहाँ पर थोड़ा वक्त ना बिताए मार्केट। वक्त का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रायर रेजिस्टेंस के ऊपर जहाँ पर मार्केट ने डोजीज बनाई है, इन्वर्टेड हैमर्स बनाए हैं और फटाफट रिजेक्शन दे दिया है, अगर उन जगहों पर थोड़ी देर मार्केट टिक रही है और ऊपर जाने को तैयार है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो एरियाज है सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर सपोर्ट बनना चालू हो गया। बट ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, मार्केट ने एकदम से रिजेक्ट किया, ऑल राइट। अब यहाँ पर जैसे मार्केट ने थोड़ा वक्त बिताया, ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा ना, जब तक मार्केट में एक फॉल ढंग से नहीं आने वाला और अच्छी तरीके से, मतलब कंटिन्यूशन और अच्छी नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको इस फॉल का 50% दिखा देता हूँ कि हम लोग जो हमारे लेवल्स हैं वो कहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर इस जोन से मार्केट बाहर निकलती है तो ये आपका 4800 का आपका एक अच्छा टारगेट हो सकता है, जो कि मैंने आपको डेली पे भी बताया था, ठीक है। अब आपने जो ट्रेड लेने हैं वो कहाँ लेने हैं, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आपका ये है रिजेक्शन जोन, यहाँ पर सेलिंग में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अगर कोई गैप अप होता है, कुछ होता है, तो 40, 165 से लेके 41 आपका 30,
ये जोन सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और रिजेक्ट होती है तो यहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हैं या फिर शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, ये एक तरीका होगा आपका, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर वक्त बिताना पड़ेगा अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो। तो सबसे अच्छी यहाँ पर जो बेट होगी वो आपकी होगी नीचे जाने के लिए। दूसरा है ये जोन, ये जोन आपका है 39 आपका 850 से लेके सम सॉर्ट ऑफ 39900 ले लो आप, ठीक है ना, ये जोन हो गया आपका। इस जोन के पास मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मार्केट है थोड़ा वक्त बिताती है तो इधर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है टारगेट इस जोन के लिए, मतलब 200-250 पॉइंट का एक सम सॉर्ट ऑफ बाइंग टारगेट बन सकता है इधर, ठीक है। और अगर मार्केट इस जोन के नीचे ट्रेड करती है, फॉर एग्जांपल ऐसे थोड़ा बहुत ट्रेड घुमाती है, थोड़ा लोअर हाइज बनाती है, तो इसके नीचे मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। तो प्लान आपका बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपका ट्रेड और यहाँ पर आपका ट्रेड, इस जोन के अंदर ही आपने प्ले जो आपका होगा ना, इसके एक्सट्रीम्स पे प्ले होने वाला है, बीच में अपना टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉप अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा, स्टॉप आपको यहाँ अच्छा मिलेगा या फिर यहाँ अच्छा मिलेगा, और हमें ट्रेड तभी करना चाहिए जब हमें स्टॉप्स अच्छे मिले, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ये जो संडेज को एनालिसिस आएंगे थोड़े से बड़े होंगे, 2-4-5 मिनट, बिकॉज मैं इसमें वीकली भी कवर करूंगा, तो जिस वजह से आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी लेवल्स को समझने की। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, जितना आप लाइक करेंगे उतनी मोटिवेशन आती है कि मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूँ, एंड कोई फालतू के प्रमोशंस ना करूँ, आप लोगों को ढंग से सिखाऊँ समझाऊँ। ऑलराइट, सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।